ओला ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस बढ़ा दिया, टीवीएस ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस बढ़ा दिया, बजाज ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस बढ़ा दिया, एथर ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस बढ़ा दिया और बाकी दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं सभी ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस बढ़ा दिया है। और ये क्यों बढ़ाया है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की फेम टू पॉलिसी जो है उसमें चेंजेस हुए, 40% कैप से 15% कैप कर दिया और सारी ही सब्सिडी जो थी, मतलब जिनको भी सब्सिडी मिलती थी 50,000-55,000, वो सब्सिडी घट के आ चुकी है 22,000 रुपये के आसपास। किसी को 22,500 मिल रही है, किसी को 22,800 मिल रही है, किसी को 21,900 मिल रही है। अब कितना प्राइस में चेंजेस हुआ है और ये चार कंपनियां जो कि टॉप सेलिंग कंपनीज है, इनकी जो प्राइस डिफरेंसेस है वो क्या रह गए हैं, अभी आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेस्ट हो सकता है वो तो आप प्राइस देख के डिसाइड कर लोगे, बाकी फिर भी कौन सी कंपनी ने कस्टमर्स के बारे में सोचा है, तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा ओला S1 के बारे में, ओला S1 प्रो के बारे में, TVS iQube S के बारे में, TVS iQube जो स्टैंडर्ड वर्जन आता है उसके बारे में, बजाज की चेतक के बारे में और एथर के दोनों वेरिएंट के बारे में। हालांकि एथर का एक वेरिएंट तो मैं कहता हूँ कभी मत लेना, 15 घंटे तो चार्ज करोगे 24 घंटे में, उसके बाद आप उसको 70-80 किलोमीटर चलाओगे, क्या मतलब का। चलो आते हैं अपन तो अपने प्राइस के ऊपर कि प्राइसिंग क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस हुए हैं। फेम टू सब्सिडी के बाद ओला S1 की एक्सरूम प्राइस है 1,29,999 रुपए, जितनी प्राइसिंग बताऊंगा स्टेट सब्सिडी इंक्लूड नहीं है। ओला S1 प्रो की प्राइसिंग है 1,39,999 रुपए, TVS iQube का जो स्टैंडर्ड वर्जन है इसकी प्राइसिंग है 1,43,000 रुपए, बजाज चेतक की प्राइसिंग हो चुकी है 1,43,000 रुपए, एथर 450X जिसका बेस वेरियंट है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि रिकमेंडेड नहीं है मत लेना, उसकी प्राइसिंग है 1,44,000 रुपए, TVS iQube S इसकी प्राइसिंग है 1,45,000 रुपये और फाइनल आता है एथर का 450X प्रो पैक, इन सारे इलेक्ट्रिकल में सबसे महंगा, एक्स शोरूम प्राइस 1,65,000 रुपये के आसपास। अब सबसे लोएस्ट कौन सा है? ओला S1। अब ओला S1 से कितना कितना डिफरेंस है बाकी इलेक्ट्रिकल में? ओला S1 से S1 प्रो में आएगा 10,000 रुपये का डिफरेंस, TVS iQube स्टैंडर्ड वर्जन में आएगा 13,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस, बजाज चेतक में भी लगभग 13,000 रुपये के आसपास डिफरेंस, एथर 450X 15,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस, TVS iQube S इसमें भी लगभग 15,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस और फाइनल एथर का 450X प्रो पैक इसमें लगभग 35,000 रुपये का डिफरेंस। अब डिफरेंसेस आपको पता चल गए, अभी आते हैं कि कौन सा बेस्ट है अभी की डेट में। अभी की डेट में सबसे बेस्ट ओला S1 प्रो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो, बाकी अगर क्वालिटी के हिसाब से जाना चाहते हो तो बजाज चेतक भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बजाज चेतक में डिफरेंस आया है लगभग, ये देख सकते हैं हम, 20,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस। सबसे कम डिफरेंस जिसने दिया है ना वो ओला इलेक्ट्रिक ही है। ओला इलेक्ट्रिक ने थोड़ा तो सोचा है कस्टमर्स के बारे में, एथर ने तो अपने प्रो पैक के अंदर कुछ भी नहीं सोचा है। 32,000 रुपये का डिफरेंस अगर आप करोगे तो कौन परचेस करना चाहेगा? कोई सिंपल वन क्यों नहीं ले लेगा? क्योंकि सिंपल वन तो अगर बात करूँ मैं आपको एक्सरूम 1,58,000 में आ जाता है और 1,58,000 में रेंज कितनी मिल रही है? 212 किलोमीटर की IDC रेंज। वहीं TVS ने जो प्राइस चेंज किया है वो भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये प्राइस भी सही नहीं है। TVS iQube स्टैंडर्ड वर्जन और TVS iQube S सिर्फ 2,000-3,000 रुपये का डिफरेंस। कोई क्यों लेगा स्टैंडर्ड वर्जन जब TVS iQube S उनको 2,000-3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, जिसमें आपको बड़ी 7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, डोगल मिल जाता है, तो फिर TVS iQube का स्टैंडर्ड वर्जन लेने का ही मतलब नहीं है। और एथर के 450X को तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप इसको कंसिडर भी करो। ठीक है, वो प्राइसिंग थी, बतानी थी बता दी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके अब आपका माइंडसेट क्या कहता है कमेंट में जरूर बताना। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके बाय।